फिनिंग व्यूअर्स, सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो एक लॉस मेकिंग है बट बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनियों में से एक है, जो नए नए बिजनेस मॉडल्स को ला रहे हैं अपने कंपनीज के साथ और आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं और कस्टमर बेस को और ज़्यादा इंक्रीज करने का कोशिश कर रहे हैं। सो क्या आप चाहेंगे इस तरीके के आईपीओ में इन्वेस्ट करना? और गाइज हम बात कर रहे हैं पेटीएम आईपीओ के बारे में, जहाँ पर कंपनी ने लॉस बहुत ज़्यादा देखा है इन पास्ट, बट कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ते ही जा रहा है, कंपनी कंटिन्यू अपने बिजनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और लॉसेस भी देख रहे हैं, लेकिन रन कंटिन्यू लग रहे हैं। सो क्या आप चाहेंगे इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना, जहां पर वॉरेन बफे जैसे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करके रखा है? Communications इनकॉर्पोरेट हुआ था 2000s पे और एक इंडिया का लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम वाला प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स को एक साथ जोड़ते हैं कंपनी। बेसिकली ये कंपनी का अगर रिपोर्ट देखें तो 31 मार्च के अकॉर्डिंग इनके पास 333 million क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, जो कि इनके एप्लीकेशन से परचेस करते हैं कुछ भी, और 21 million रजिस्टर्ड मर्चेंट्स हैं जो इसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं एज एन मर्चेंट्स। सो अगर बताया 2009 के हिसाब से ये पेटीएम ऐप्स लॉन्च हुआ था और उसके बाद से ये लोग रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स पे पहले फोकस था और धीरे धीरे कंपनी को आगे बढ़ते हुए कंपनी बहुत सारे सेगमेंट पे आया, लाइक डिजिटल बैंकिंग सर्विस पे आया, टिकट सेलिंग्स बाइंग, प्ले गेम्स ऑनलाइन, उसके साथ साथ पेटीएम मनी है जहाँ पर आप ऑनलाइन पे किसी भी तरीके का एक ब्रोकर है जहाँ पर आप ऑनलाइन शेयर इक्विटी शेयर्स में बाइंग सेलिंग या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर सकते हैं। अगर बात करें पेटीएम की ई कॉमर्स पेटीएम मॉल जहाँ से आप ऑनलाइन चीज़ें परचेस कर सकते हैं, मतलब हर तरीके का चीज़ें यहाँ पर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशंस बोल सकते हैं इस ऐप्स को, यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये कंपनी दोनों टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रिवन हुआ है, जब पहली बार नोटबंदी हुआ था तब कैशलेस ट्रांजेक्शन्स बहुत बढ़े थे और आफ्टर जब यहाँ पर अचानक से कोविड का इम्पैक्ट आया था तब भी कैशलेस ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और ये कंपनी कैशलेस ट्रांजेक्शन्स में इंडिया का लार्जेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म बन के उभरा है और करंटली अगर इसकी ब्रांड वैल्यू की बात करें तो ये 6.3 billion है। जिस तरीके का पेटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो होता है पहला पेटीएम पेमेंट सिस्टम्स। इन पेमेंट सिस्टम्स में आपको बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन दिखेगा, मोबाइल पेमेंट्स है जहाँ पर आप सब तरीके का पेमेंट्स आप एक ही एप्लीकेशन से कर सकते हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग्स तक आप यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि ई कॉमर्स का सपोर्ट भी यहाँ पर पेटीएम देता है। और बात करें प्रोडक्ट की तो जैसे पेटीएम मॉल जहाँ से आप कुछ भी परचेस कर सकते हो, पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पर पेमेंट बैंक्स भी हैं जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बैंक है, अगर पेमेंट बैंक की बात करें तो सबसे बेस्ट पेमेंट बैंक्स है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। और अगर पेटीएम मनी की बात करें तो ये एक ब्रोकर फर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, गेम पिन दे जॉब कर आप गेम खेल सकते हो ऑनलाइन और स्मार्ट रिटेल भी अवेलेबल है। पेटीएम की पेमेंट बैंक की बात किया जाए तो इन अगस्त 2015 पेटीएम बैंक को लाइसेंस मिला था आरबीआई द्वारा कि लॉन्च किया जाए और उसके बाद कंपनी ने पेटीएम पेमेंट बैंक को इनेगुरली लॉन्च किया था 2017 को और कंपनी के पास ऑल ओवर 1 lakh से ज़्यादा बैंकिंग आउटलेट है अक्रॉस इंडिया, जो कि अभी शायद 2 lakh हो चुका होगा। और जब लॉन्च किया था तब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न सब यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का रहा था और अभी बहुत सारा कुछ चेंज हो गया है। अगर पेटीएम मॉल की बात किया जाए तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 2017 को और इनके पास ऑलमोस्ट 1.4 लाख रजिस्टर्ड सेलर हैं जो कि B2C बिजनेस में काम करता है और ये कम्प्लीटली इंस्पायर्ड है चाइनीज़ एक लार्जेस्ट B2C रिटेल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टी मॉल और उसी की तरीके का एक प्लेटफॉर्म बना के ये कंपनी ने प्रेजेंट किया है कि उसी तरीके का ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेशंस था जिस तरीके से कंपनी सोचा था, लेकिन अगर सच्चाई बताया जाए तो ये कंपनी अभी उस तरीके से डेवलप नहीं है ये प्लेटफॉर्म पेटीएम का। अगर बात किया जाए इसके कॉम्पिटिशंस के तो उस हिसाब से पेटीएम मॉल उतना ज़्यादा डेवलप नहीं लगता है। तो जब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मैं जब DRHP फाइल को पढ़ रहा था तो यहाँ पर मुझे चीज़ मिला जो आपके साथ मुझे लगता है शेयर करना चाहिए, जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है उनका नाम और इक्विटी शेयर्स कितना है।
सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फाइल से। वहीं DRSP फाइल में प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी मिल रहा है, सो वहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते 43,309 मिलियंस था, जो कि वो घट के हुआ है 29,424, और वो और भी ज़्यादा घट के हुआ है 17,010, मतलब लॉसेस लगातार गिर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर बात करें टोटल इनकम की तो वो कुछ खास नहीं है, 35,000 था जो कि गिर के 35,400 हुआ था 37,700 से, और अभी 2021 में 31,000 पे आ चुका है। सो ये कुछ स्टेबल नहीं लग रहा है और कंटिन्यू ग्रोथ पे फोकस मुझे नहीं लग रहा है। और नेटवर्थ की बात करें तो वो भी मतलब कंटिन्यू ग्रोथ अभी नहीं देखने को मिल रहा है। और टोटल बोरोइंग जो कि 2020 के बाद 2021 में इंक्रीज़ हुआ है। अगर बात किया जाए कि कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है, एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि जहां पर हमें आंसर्स चाहिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है कंपनी का। सो पहला चीज़, आज के डेट में जिस तरीके का फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रहा है कि जाके लाइन देके बिल पेमेंट्स, इलेक्ट्रिक बिल्स या फिर ऑनलाइन आपको जो फैसिलिटीज़ मिल जाए रिचार्ज वगैरह का, वो आप ऑफलाइन जाके स्टोर में जाके विज़िट करके नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा नहीं है किसी के पास। तो ऑनलाइन वो लाइबिलिटीज़ आपका जब फुलफ़िल हो रहा है तो आपको कहाँ क्या जाना। ऊपर से जिस तरह कॉम्पिटिशन है, उस कॉम्पिटिशन के हिसाब से अगर देखें तो फ्यूचर में पेटीएम का यूजेज क्यों करेंगे लोग, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके पास। आपको इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको कहीं और जाना है टिकट बुकिंग करना है वहाँ से कर सकते हो, अगर आपको किसी भी तरीके का मतलब ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना है लाइक गोल्ड्स पे या फिर म्यूचुअल फंड्स पे, तो आप पेटीएम मनी से वो भी कर सकते हो। मतलब पूरा फुल सपोर्ट, आपको जितना कुछ चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। इवन आपको कुछ परचेस भी करना है लाइक घर के लिए कुछ सामान परचेस करना हो या फिर कुछ भी, आपको पेटीएम मॉल का भी ऑप्शंस मिलेगा और एक ही एप्लीकेशन पे आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेगा। सो ये होता है पेटीएम का एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पर कंपनी ग्रोथ करने का दिखा रहा है। ऊपर से अगर आप देखोगे कि ये इसका ग्लोबल भी प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी जब पेटीएम का रिव्यू किया तो वहाँ पर बताया था कि पेपे नाम की जो कंपनी खोला है कंपनी ने जापान पे जाकर जिस तरीके का डेवलपमेंट वहाँ पर दिखा रहा है, पेमेंट सिस्टम्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, और इंडिया का जो मार्केट है वहाँ पर 333 मिलियन का कस्टमर्स बेस है, वो चाहते हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। विद इन 25 तक का इसको टारगेट रखा है कि 500 मिलियंस का अप्रोच किया जाए, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है और ये शायद अचीव भी कर भी सकता है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ही बताइए कि आप पेटीएम का यूज़ करते हो नहीं, या फिर आप अपने दोस्तों को जानते होंगे बहुत सारे, तो उनमें से ऐसा दो दोस्त या तीन दोस्तों का नाम आप खुद ही सोच लीजिए जो पेटीएम यूज़ नहीं करता है। क्या आपको मिलेगा तीन नाम? मुझे तो नहीं मिला है, मैंने ट्राई किया, मेरे फ्रेंड्स एक भी ऐसा दोस्त नहीं मिला जो पेटीएम यूज़ नहीं करता है गाइस। सो मतलब ये घर घर में चला गया है। इवन अगर आप अभी जब हम लोग किसी परचेस करने जाते हैं किसी स्टोर में, या फिर मतलब भेलपूरी पानी पूरी खाने जाते हैं ना एक स्टॉल पे, छोटे स्टॉल पे, वहाँ पर भी इसका QR लगा हुआ है, आप चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से हमारे सोसाइटी, हमारे इंडिया में घुल मिल गया पेटीएम। सो अभी फ्यूचर के बारे में आप सोच ही सकते हो, अभी ये कंपनी लॉस मेकिंग है, ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। इन फ्यूचर अगर ये कंपनी स्टेबल करते हैं अपने बिजनेस को और फोकस करते हैं पर्टिकुलर बेस पे, जब पेमेंट्स बिजनेस पे हो या फिर पेटीएम मनी पे हो या फिर पेटीएम मॉल पे हो, तो कंपनी का और एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अभी कंपनीज कंटिन्यू बिजनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या ये फोकस करेगा किसी एक बिजनेस पे, वो देखने वाली बात होगा, तब कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन हमें पता चलेगा। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो ये कंपनी इंडियाज लीडिंग डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म है, मतलब इंडिया में मार्केट लीडर है डिजिटल पेमेंट सर्विस के मामले में। सेकेंड है कंपनी का ब्रांड आइडेंटिटी, जो कि इसका ब्रांड वैल्यू निकलता है 6.3 बिलियन US डॉलर, जो कि बहुत ही बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो इसका कस्टमर बेस 333 मिलियन है, जो कि बहुत बड़ा है, और 114 मिलियन एनुअल ट्रांजेक्शन्स हैं उनके पास, यूजर्स हैं जो कि ईयरली ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और 21 मिलियन प्लस मर्चेंट्स भी है, रजिस्टर्ड मर्चेंट जो यहाँ पर इनके साथ काम करता है। और पेटीएम एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट
आपको मिलेगा सब तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब आप कुछ भी डिजिटली कुछ भी करना चाहते हो तो पेटीएम एप्लीकेशंस पे वो सारी सुविधाएं आपको मिलेगा। अगर कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स की बात किया जाए तो कंपनी पेटीएम अपने जो इकोसिस्टम है कंपनी का उसको एक अलग सा स्ट्रेंथ और कंपनी को और अलग तरीके से ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग लाइक एक्विजिशंस, कस्टमर्स मतलब मर्चेंट्स के साथ जो डील्स हैं और टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसके लिए 43,000 मिलियंस का इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगा। और अगर बात की बात करें तो इन्वेस्टिंग इन न्यू बिजनेस इनिशिएटिव और एक्विजिशंस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के लिए कंपनी का 20,000 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा और बाकी का करेगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के हिसाब से। अगर रिस्क की बात किया जाए तो कंपनी का पूरा हिस्ट्री का जो डाटा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर चेक करेंगे तो सिर्फ लॉस ही देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा रिस्क है। सेकेंड है कि जिस तरीके से पेमेंट्स का प्रोसेसिंग चार्जेस और वगैरह वगैरह ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जैसे पहले अगर पेटीएम से मैं क्रेडिट कार्ड में कुछ वॉलेट में डालता था तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगता था, अभी अगर देखेंगे तो 2% तक का चार्जेस पेटीएम लगाता है। सो इसके वजह से भी देखें तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कम होते रहे और जिस तरीके से कुछ मतलब केसेस चल रहे हैं अपने सब्सिडियरी कंपनीज के साथ, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कंपनी पे इन्वेस्ट करने के लिए, आपको सोचने पे मजबूर करेगा। और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स जो एक्वायर कर रहे हैं न्यू कस्टमर्स और मर्चेंट्स के हिसाब से वो मतलब उसका एबिलिटी भी कमज़ोरी दिखने को मिलेगा आपको। और जिस तरीके से नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं वो भी सही से नहीं ला पा रहा है कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ बिजनेस पे मतलब डिपेंडेंट हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, मेजर रीज़न है, एक रिस्क लगता है। और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ है जो अपनी एप्लीकेशन है उस पे ही निर्भर है, मतलब उस पे ही रिलाई करता है कंपनी। और इन पे अगर बोलेंगे तो प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी में किसी भी तरीके का साइबर अटैक आता है तो यहाँ पर कंपनी पे जो ट्रस्ट बना है वो एक ही दिन में गायब हो सकता है, ये बहुत बड़ा मेजर इशू बन सकता है। ये सब के सब कंपनीज़ के साथ हो सकता है, फिनटेक कंपनीज़ के साथ, तो इस पे बहुत ज़्यादा नज़र रखना पड़ेगा कंपनी को। अगर बेसिक ऑफ आईपीओ के डिटेल्स की तरफ नज़र डालेंगे तो देख सकते हैं 8 नवंबर को यानी कि मंडे को इसका आईपीओ ओपन होने वाला है, क्लोज होने वाला है 10 नवंबर को। आईपीओ का फेस वैल्यू है 1 का और आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 2,080 रुपीज़ टू 2,150 का और आईपीओ का लॉट साइज होने वाला है 6 का। आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है बीएससी एंड एनएससी दोनों पे। इशू साइज़ है 18,300 करोड़ का जबकि इसका फ्रेश इशू है 8,300 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 10,000 करोड़ का। बेसिक अलॉटमेंट डेट है 15 नवंबर को, नवंबर को 15 तारीख को आपको पता चल जाएगा आपको मिला है या नहीं है। और इनिशिएटिव ऑफ रिफंड्स होने वाला है 16 नवंबर को और क्रेडिट होगा शेयर आपके डीमैट अकाउंट पे 17 नवंबर को और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 18 नवंबर को गाइस। और आप एक लॉट पे आप ऑलमोस्ट 6 शेयर ले सकते हैं, अगर कट ऑफ लगाते हैं तो 12,900 का इन्वेस्टमेंट होगा और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा 90 शेयर्स का जो होगा 1,93,500 रुपीज़ का। अगर कंपनी के एंड पे हम बात किया जाए तो कंपनी इतना बड़ा है कि नाम ही बहुत बड़ा चीज़ है कंपनी के बारे में, मतलब पेटीएम ये नाम एक बच्चे तक का पता है, मतलब इतना फेमस कंपनी है बेसिकली आज के डेट पे। लेकिन जब भी हम इन्वेस्टमेंट की तरफ से सोचते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के ही हमें डर सा लगने लगता है कि इस पे इन्वेस्ट करने से क्या होगा, बोरोइंग भी ज़्यादा है, लॉसेस भी हैं, तो कैसे हम लोग वो सोच के इन्वेस्ट करें जैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है कि हमारे पैसे को हम यहाँ पर डालेंगे तो एट द एंड आफ्टर 2 to 3 years या 5 years या फिर 10 years के बाद हमें एक अच्छा रिटर्न मिले। तो वो जो भरोसा होता है, वो ट्रस्ट होता है ये ब्रांड के ऊपर तो बिल्कुल है, सबको है पेटीएम जैसे ब्रांड के ऊपर, लेकिन उसके रिजल्ट्स को देखते हुए वो ट्रस्ट नहीं रहता है। अगर हम बात करें इन तरीके का अगर 1 लाख या 2 लाख के मार्केट कैप वाले कंपनीज़ के बारे में तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपनीज आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना इससे अच्छा लगेगा पेटीएम से, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी लगेगा वो। अगर बात कर जाए कि देखो पेटीएम जिस तरीके का कंपनी उसकी अगर जब हम ईपीएस की बात करें तो वो भी नेगेटिव में और पी तो निकलेगा नहीं है, कंपनी कभी भी प्रॉफिट में दिखा ही नहीं है। सो ये कंपनी कैसे प्रॉफिट में आ सकता है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बेसिकली इसके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट है, 333 मिलियंस का क्लाइंट है। अगर इस क्लाइंट्स को सही से यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है तो कंपनी एक बहुत ही अच्छा अर्निंग कर सकता है। बट
कंपनी की अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डाले तो कंपनी क्या कर रहा है, कंटिन्यू एक से बदले एक और बिजनेस ला रहा है, एक छोड़ के एक और ला रहा है, मतलब कंटिन्यू अपना एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा मतलब काम कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा बिजनेस तो है लेकिन उसको चलाने के लिए सही से किसी भी तरीके का दिमाग यूज़ नहीं हो रहा है। लाइक इनके पेमेंट सर्विस से इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है, फिर भी कंपनी लॉस में है। अगर बात करें पेटीएम मनी के, यहाँ से तो 5% का रेवेन्यू आता है, कुछ खास नहीं। अगर बात करें पेटीएम फर्स्ट गेम की, वहाँ से तो कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। अगर मतलब हर तरीके का अगर सर्विस की बात करें पेटीएम को, तो कुछ खास देखने को अभी तक नहीं मिला है। हाँ, कंपनी अभी भी कंटिन्यू अपना बिजनेस को ग्रो करने के फोकस में है, लेकिन अगर हम एज ए इन्वेस्टर्स हम देखते हैं तो हमें एंड ऑफ द ईयर हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसको कितना गुना होगा, क्या बेनिफिट्स मिलेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर पेटीएम की अभी की करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं दिखता है, 10-5% के आसपास ही हैं। सो इन्वेस्टमेंट करने का कुछ रीज़न्स हमें मिल नहीं रहा है जहाँ से हमें लगे कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली आपको क्या लगता है, आप क्या पेटीएम जैसे आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, हमें प्लीज़ कमेंट पे बताइए। और लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इस तरीके का कंटेंट चाहते हो तो ज़रूर आप हमारे वीडियोस को सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, तो हम नए नए वीडियोस आपके लिए लाएंगे। बेसिकली आज ही मैंने पोस्ट किया कि आप लोगों को क्या पेटीएम की आईपीओ का रिव्यू चाहिए, तो वहाँ पर 70% लोगों ने बोला कि हाँ चाहिए और बाकी ने बोला नहीं ज़रूरत नहीं है। सो जिनको चाहिए था उनके लिए सिर्फ ये वीडियो है। और हमारे जो टेलीग्राम के मेंबर्स हैं उनके लिए हम लोग कभी भी किसी भी तरीके का काम करने के लिए रेडी हैं। सो आप बताइए आपको क्या चाहिए, किस टाइप के वीडियोस चाहिए, हम उसी टाइप के वीडियोस आप लोगों के लिए ज़रूर लाएंगे।